गांव में एक रामदयाल नाम का किसान रहता था। रामदयाल के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके पास बहुत सारे खेत थे। रामदयाल बहुत मेहनती था। उसने अपनी लगन और मेहनत से खूब तरक्की की थी। रामदयाल की पत्नी का नाम सुनीता था, जो खाने पीने की बहुत लालची थी। अरे वाह, इस बार तो मजा ही आ गया। बहुत अच्छी खेती हुई है। लगता है ईश्वर ने मेरी मेहनत का अच्छा फल दिया है। अब मैं इस फसल को बेचकर एक गाय खरीदूंगा। सुनीता, ओ सुनीता, सुन रही हो? देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या हुआ, क्यों चला रहे हो? रुको, आती हूँ। अभी अभी समोसे बनाए थे और ये आटा के। अरे वाह, आज तो तुमने मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। वाह वाह, अब हम घर का ताजा दूध पियेंगे और दही लस्सी। वाह वाह, मेरे तो मुँह में पानी आ गया। अरे अरे, सब अभी खा लोगी क्या? लो इसे आंगन में बांध दो। आओ गाय माता, अब मैं ना तुम्हारी खूब सेवा करूंगी और तुम भी मुझे ढेर सारा दूध देना। सुनीता, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। शाम को हम दोनों गाय का ताजा दूध पियेंगे। सुनीता, ओ सुनीता, जल्दी से हमारी गाय का दूध लाओ, मुझे तो सुबह से इसका इंतजार है। अभी आती हूँ, रुको थोड़ा काम कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। आ गए आप, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। अरे सुनीता, आज मैं पानी नहीं दूध पीऊंगा। लेकिन दूध तो है ही नहीं। क्या, कहाँ गया सारा दूध? अरे अब मैं क्या बताऊँ, मैंने दूध निकाल कर बाल्टी में रखा था कि कहीं से एक बिल्ली आ गई और सारा दूध पी गई। मैंने भी एक बूंद नहीं पी दूध की। हे भगवान, आज तो इस बिल्ली ने सारा मूड ही खराब कर दिया। चलो कोई बात नहीं, कल मैं दूध पी लूंगा। सुनीता, मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम रोटी के साथ दही लेकर खेतों पर ही आ जाना। अच्छा अच्छा, ठीक है, आ जाऊंगी। मजा आ गया। आओ सुनीता, जल्दी बैठो, क्या लाई हो खाने में आज? लाना क्या है, वही रोटी और सब्जी है। क्या कहा? मैंने तुमसे कहा था ना कि आज मुझे दही खाना है। मुझे माफ कर दो, मैं आपके लिए दही बना रही थी लेकिन उसमें कहीं से एक छिपकली गिर गई और मुझे सारा दही फेंकना पड़ा। हैं? क्या कहा, छिपकली? अच्छा हुआ तुमने समय पर देख लिया। कोई बात नहीं, मैं शाम को आकर दूध पी लूंगा। सुनीता, कहाँ हो तुम? आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे घर पर कोई नहीं है, चलो देखते हैं क्या बना है आज। अरे आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज खेत का काम जल्दी हो गया तो मैंने सोचा घर जाकर आराम कर लेता हूँ। अच्छा हुआ, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी लाओ, मुझे तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू? अच्छा अच्छा, वो तो पड़ोस वाले घर से मिठाई आई थी, उसकी खुशबू होगी। रुको मैं लाती हूँ। रामदयाल, अरे बेटा, कहाँ चल दिए आज सुबह सुबह? आओ बैठो। राम राम अम्मा, बस खेतों की तरफ जा रहा हूँ। अरे बेटा क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्यों मुंह लटका रखा है? अब क्या बताऊँ अम्मा, मुझे तो बताते हुए भी अजीब लग रहा है। मेरी पत्नी सुनीता खाने की लालची है, हमारी गाय का सारा दूध मक्खन दही सब खुद ही चट कर जाती है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अरे बेटा रामदयाल, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें एक मोती देती हूँ, ये तुम अपने रसोई में रख देना। तुम्हारा काम हो जाने पर इसे मुझे वापस कर देना। ठीक है अम्मा, चलो मैं चलता हूँ। सुनीता, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए छाछ और रोटी ले आना। हाँ हाँ ठीक है, आप जाओ, मैं आती हूँ खाना लेकर। अच्छा हुआ यार जल्दी चले गए, मैं तो आज खीर बनाऊंगी और मजे से खाऊंगी। अच्छा तो खीर बनाएगी तू आज? हैं? अरे ये कैसी आवाज सुनी मैंने, लगता है मेरा वहम है। अरे वाह, खीर तो अच्छी बनी है, अब रुका नहीं जा रहा, खा ही लेती हूँ। बना ली खीर, अब इसे अकेले ही खा लेगी क्या? ये क्या हो रहा है, कौन है? डर गई क्या? इतना डरती है तो छुपके क्यों खाती है? ये आवाज, हे राम, ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई दरवाजे से झांक रहा है। अरे यहाँ भी कोई नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं कोई भूत तो नहीं आ गया घर में? अच्छा फिर से खाने लगी, याद रखना अगर तूने खाने की चपचप की आवाज की तो तू कई काम से। कौन है, सामने क्यों नहीं आता? इतना डरती है तो अकेले छुपकर क्यों खाती है? क्या हुआ सुनीता, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो?
भूत है, भूत है, हमारे घर में भूत है। भूत? कैसा भूत? अच्छा ये बात है, तभी मैं कहूँ कि सारा दूध कहाँ जाता है। तुमने खाने के लालच में आकर मुझे जरा भी दूध नहीं चखने दिया, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तुम ऐसे ही करती रही तो भूत तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं जो बनाऊंगी सबसे पहले आपको खाने को दूंगी, अगर बचा तो मैं खाऊंगी, नहीं तो भूखी रह जाऊंगी, लेकिन लालच नहीं करूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मैं देखता हूँ उस भूत को। सुनीता तुम घर के बाहर ही रुको, मैं अभी उस भूत की खबर लेता हूँ। सुनीता आ जाओ, मैंने उस भूत को भगा दिया। अब सुनीता जब भी कुछ बनाती पहले रामदयाल को देती। रामदयाल भी गाय का दूध पीकर और अच्छे अच्छे पकवान खाकर मस्त रहने लगा।